भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिद्रोणी ने बृहस्पतिवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान आतंकवादी, उग्रवादी समेत कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते। दरअसल चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने पर सांसद दानिश अली ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद बिद्रोणी ने कहा, मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। इसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इस पूरे घटना का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद दानिश अली के घर पर आज सुबह से ही मीडिया का तांता लगा रहा। वहीं कई नेता उनसे मिलने भी पहुंचे। देर शाम उनके घर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने दानिश को गले लगाया और बंद कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकले राहुल गांधी ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। दानिश अली के घर पहुंचे सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, जिस तरह से कल देश की संसद में रमेश बिद्रोणी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को गाली दी, सिर्फ गाली नहीं दी बल्कि सांप्रदायिक गाली दी, उस भाषा का इस्तेमाल किया जो गली चौराहों पे इस्तेमाल की जाती है, तो मैं बहुत हैरत में हूँ। और मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि क्या नई संसद जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें गाली देने की छूट है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद के सपने की जो संसद थी, जो बनी हुई पुरानी संसद, उसमें तो मैंने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं सुना था। नई संसद में क्या गाली देने की छूट है? मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री स्वयं राज्यसभा में उस समय मौजूद थे जब लोकसभा में ये घटनाक्रम हो रहा था। 100 फीट, 150 फीट की दूरी पर, मेरा मानना है 200 फीट की दूरी पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान, संसद की गरिमा, संसदीय मर्यादा, इन सब के मायने क्या रह जाते हैं। मेरी गुजारिश है लोकसभा अध्यक्ष से कड़ी कार्रवाई करके आप देश को संदेशा दीजिए। आपने अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड किया था बिना किसी कारण के। इधर राज्यसभा में संजय सिंह सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के, राघव सस्पेंड हुए बिना किसी बड़े गुनाह के। तो ये तो मतलब इतना बड़ा मामला है, सिर्फ गाली नहीं, धमकी, गाली, सांप्रदायिक गाली, सब कुछ। देश का हर संभ्रांत व्यक्ति दानिश के साथ खड़ा है। वहीं दानिश अली ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। आपको बता दें, इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिससे चौतरफा किरकिरी के बाद बीजेपी ने बिद्रोणी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूरी कर दी है। रमेश बिद्रोणी के बयान से आहत बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर संसद के नियमों के तहत बिद्रोणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये कहा, अगर बिद्रोणी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं लोकसभा सदस्यता छोड़ने पर विचार करूंगा। इस बीच दानिश अली पर रमेश बिद्रोणी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को बिद्रोणी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बिद्रोणी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। अब यह देखने वाली बात है कि बिद्रोणी पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अगले कई दिनों तक इस मुद्दे पर सियासत सरगर्म रहने की संभावना है।